अब जब हमारे देश में कोरोना वायरस के केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसके कारण जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भारी दबाव आ रहा है, और जो हॉस्पिटल है उन्हें दिक्कत हो रही है किसी भी कोरोना वायरस पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए, क्योंकि बेड और ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी है। इससे रिलेटेड वीडियोज और इमेजेस सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, जहाँ दिखाया जा रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर बेड में बहुत सारे पेशेंट्स लेटे हुए हैं, और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये वीडियो हैदराबाद से है। हेलो एवरीवन, दिस इज भरत नायक फ्रॉम द लॉजिकल इंडियन फैक्ट चेकिंग टीम, और आज हम पड़ताल करेंगे इस वीडियो की, जहां पर बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं मिल रहा है क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। वायरल वीडियो में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल के बाहर लेटे हुए हैं और उनके साथ उनके रिलेटिव है, और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग मास्क पहने हुए हैं, जिससे ये लगता है कि ये कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं। द लॉजिकल इंडियन के व्हाट्सएप फैक्ट चेक नंबर पे भी इस वीडियो को भेजा गया और पूछा गया कि ये वीडियो कहाँ का है। ये वीडियो सही है, बट इसके साथ जो क्लेम शेयर किए जा रहे हैं वो गलत है। ये वीडियो हैदराबाद का नहीं, लाहौर पाकिस्तान का है। लाहौर पाकिस्तान के सर्विसेज हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में 13 जून को आग लग गई, और इसके बाद सारे पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया गया, और ये वीडियो वहीं से है। इस आग में एक महिला की जान चली गई और 8 लोग इंजर्ड हो गए। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट करके लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि इस वीडियो को कोरोना वायरस से रिलेट करके ना शेयर करें, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई, और उसके बाद जो पेशेंट को इवैक्यूएट किया गया, ये वीडियो वहीं से है। तो हम इन कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है ये हैदराबाद से नहीं, पाकिस्तान से है, और इसका COVID-19 से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको इस तरह का कोई भी वीडियो मिलता है तो आप द लॉजिकल इंडियन के व्हाट्सएप फैक्ट चेक नंबर 6364000343 में भेज सकते हैं। धन्यवाद।